टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। सीरीज का दूसरा मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया। शुरुआती 3 ओवर में अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को चलता किया। इनमें 4 बल्लेबाजों ने खाता भी नहीं खोला था। साउथ अफ्रीका टीम 5 ओवर में सिर्फ 26 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच खेल रहे दीपक चाहर ने कमाल कर दिया। अपने पहले ओवर में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा को आउट किया। अपने दूसरे ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को अर्शदीप के हाथों कैच कराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी कर रहे अर्शदीप सिंह ने अफ्रीकाई बल्लेबाजों पर कहर बरपाया। पहले ओवर में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। पहली गेंद पर अर्शदीप ने क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद रायली रूसो और डेविड मिलर को पवेलियन भेजा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता सबा करीम ने दिनेश कार्तिक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने दिनेश कार्तिक के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो नंबर 6 पर आकर मैच फिनिश कर सके। आईसीसी टी20 रैंकिंग्स में भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने को मिला है। सूर्य अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 बल्लेबाज थे, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 की कुर्सी हासिल कर ली है। अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने ईरानी कप 2022 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड की घोषणा की। रेस्ट ऑफ इंडिया का कप्तान हनुमा विहारी को बनाया गया है। भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और युवा यशस्वी जायसवाल को भी रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। मोइन अली ने दीप्ति शर्मा चार्ली डीन विवाद पर बयान दिया है। मोइन ने कहा, किसी भी खिलाड़ी को मानकट करना मेरी किताब में लिखा नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि मैं ऐसा कभी भी कर पाऊंगा। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज अजय जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। जडेजा का मानना है कि आगामी टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका कई टीमों को चौंका सकती है। दुर्भाग्य से वो हमारे ही ग्रुप में है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्लेड।